नमस्कार, मैं कविता चौधरी खाद के जायके में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए नई रेसिपी लेके आए हैं, दीपावली स्पेशल काजू कतली। आइए बनाते हैं। उसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए मैं आपको बताती हूँ। 500 ग्राम मैंने काजू लिए हैं। काजू की क्वालिटी आप अच्छी रखोगे तो काजू कतली अच्छी बनेगी। मैंने पूरे वाले लिए, आप हाफ में या टुकड़ी भी ले सकते हैं। 400 ग्राम शक्कर है और शक्कर का आधा पानी लिया मैंने, 200 ग्राम होगा पानी, मतलब जितनी शक्कर है उससे हाफ क्वांटिटी में पानी लेना है। और इलायची पाउडर 1 चम्मच पीसे हुई। आइए बनाते हैं। काजू अच्छी तरह से पीसे हमारे, उसके लिए हमको फ्रिज में रखने हैं काजू। कम से कम आपको सुबह बनानी है तो रात को आप फ्रिज के अंदर रख दो तो अच्छा पाउडर बनेगा इसका और इसका ऑयल ही नहीं निकलेगा। बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है, दरदरा आटा बनाना है इसका। हमारा अच्छा पाउडर बन गया है। इसको छलनी में डाल के मैं छान लूंगी एक बार। ये थोड़े बड़े बड़े दाने हैं, इनको हम वापस पीसेंगे और इसी तरह से सारे काजू का मैं पाउडर बना दूंगी। अब गैस के ऊपर मैंने एक कढ़ाई रख दी है। जो 400 ग्राम शक्कर ली थी वो कढ़ाई में डाल रही हूँ, पानी डाल रही हूँ। शक्कर का आधा भाग मैंने पानी लिया, जितनी शक्कर है उसे आधा पानी लेना है। शक्कर की हमको एक तार की चाशनी बनानी है। अब हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, हम चेक कर लेते हैं इसको। बिल्कुल एक तार बन रहा है इसका, और आपको इस तरह से पता नहीं चले तो आप हाथ में लेके इस तरह चेक करें, आपको हल्का सा तार नजर आएगा। अब इसके अंदर जो पीसा हुआ काजू था वो मैं डाल रही हूँ। अब इसके अंदर पीसी हुई इलायची मैं डाल दूंगी। गैस को बिल्कुल ही आप कम कर दीजिए। और अच्छी तरह से ये गाढ़ा हो जाए जब तक हिलाते रहेंगे। इस तरह से गाढ़ा होने तक चाशनी के अंदर आप पकाएं। अब मैंने गैस बंद कर दिया इस कंडीशन में और कढ़ाई के अंदर ही मैं रखूंगी और हिलाती जाऊंगी इसको जब तक ये अच्छी तरह से गाढ़ा नहीं हो जाए। ये जैसे जैसे ठंडा होगा अपने आप गाढ़ा होता जाएगा। ये हिलाते हिलाते इस तरह से गाढ़ा हो जाएगा बिल्कुल जमने जैसे कंडीशन में। अब इसके अंदर थोड़ा सा घी डालेंगे तो बहुत अच्छी शाइनिंग आएगी इसकी। इतना सा घी डाला है 1 चम्मच मैंने। थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो एक प्लास्टिक की शीट पर इसको हम निकाल देंगे डो को सारे को। यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक की शीट बिछा दी है, इसके ऊपर थोड़ा घी डालेंगे और इसको चिकना कर देंगे पूरा। और इसके ऊपर जो काजू कतली का आटा बनाया वो मैं डालूंगी। अब काजू के आटे को मैंने एक प्लास्टिक शीट पर रख दिया है और इस तरह से मस लेंगे हम इसको जब तक ये पूरा अच्छी तरह से चिकना नहीं हो जाए। अब काजू कतली का आटा हमारा बिल्कुल तैयार है। एक बार हम हाथों से इस तरह से फैला देंगे इसको, फिर बेलन से इसको बेलेंगे जितनी आपको
इसकी मोटाई चाहिए उस हिसाब से। बेलन के ऊपर थोड़ा घी लगा देते हैं। और हल्के हाथों से इसको बेल देते हैं। ज्यादा पतली नहीं करें, थोड़ी इसकी मोटाई रखें। इस तरह से मैंने बेलन से पूरी अच्छी तरह से बेल दी है। थोड़ी ठंडी होने के बाद मैं इसके ऊपर चांदी का वर्क लगाऊंगी। आपके पास अवेलेबल है तो लगाएं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। वर्क लगाने से बहुत सुंदर दिखती है, बिल्कुल मार्केट का लुक आता है। टेस्ट में कोई फर्क नहीं रहता है, चाहे आप लगाओ वर्क या नहीं लगाओ, टेस्ट सेम रहेगा। अब काजू कतली बिल्कुल हमारी रेडी हो चुकी है, जमने की कंडीशन में आ चुकी है। मैं आपको इसको कट करके बताऊंगी। इस तरह से सारी डायमंड शेप में मैंने काजू कतली काट दी है। इसको आधे घंटे के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर इसको निकालेंगे। अब मैं इसको निकाल के आपको बताती हूँ। इस तरह से मैंने सारी काजू कतली एक प्लेट के अंदर निकाल दी है। और मैं आपको तोड़ के बताती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाली है बिल्कुल। यदि आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी काजू कतली पसंद आई हो तो आप भी एक बार जरूर घर में अपने ट्राई करें, टेस्ट करें, और पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। हैप्पी दीपावली।